5.3 पारिस्थितिक पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड 5.3.1 जीव संख्या के पिरामिड पिरामिड ऑफ नंबर्स 1927 में चार्ल्स एल्टन ने अपनी पुस्तक एनिमल इकोलॉजी में पहली बार संख्या के पारिस्थितिक पिरामिड की बात की। उनका कहना था कि किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के अंत में वही प्राणी होते हैं जो साल भर में कम से कम बच्चे पैदा करते हैं। साथ ही ऐसे प्राणियों या इनके परिवारों के लिए यह क्षेत्र उनका आवास होता है। अतः ऐसे क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला के खाने व खाए जाने वाले प्राणियों की संख्या को पिरामिड के रूप में दर्शाया जा सकता है। पिरामिड के चौड़े आधार में ऐसे प्राणी होंगे जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी तथा शीर्ष पर ऐसे जिनकी सबसे कम। ऐसे पिरामिड से जीवों की संख्या व भोजन की उपलब्धता को दर्शाया जा सकता है। एल्टन के विवरण में पिरामिड का चित्र नज़र नहीं आता, किंतु पिरामिड का प्रयोग व्यापक रूप से होता रहा है। अधिकांश पिरामिड में आंकड़ों को अनुपातिक रूप से कभी भी दर्शाया नहीं जा सका। क्या आप जानते हैं, आपने मिस्र के पिरामिडों के बारे में सुना होगा। पिरामिड एक ज्यामितीय संरचना है। इसका आधार चौड़ा है और शीर्ष एक बिंदु। एक सामान्य पिरामिड में चार त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और उसका आधार वर्गाकार होता है। धान के खेत की खाद्य श्रृंखला के जीवों को संख्या के पिरामिड में इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। क्रियाकलाप एक में ज्ञात किए गए जीवों की संख्याओं को पोषक स्तर के अनुसार पिरामिड बनाकर दर्शाइए। धान के खेत के पारिस्थितिक पिरामिड में पोषक स्तरों को चिन्हित करते हुए एक निश्चित समय पर यदि सभी जीवों की संख्या को दर्शाया जाता तो पिरामिड कुछ इस प्रकार दिखता। धान की कटाई के पश्चात इस पारिस्थितिक तंत्र के जीवों का क्या होगा? क्या तब भी हर स्तर पर इतने ही जीव बचेंगे? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की परिस्थितियां मानवीय हस्तक्षेप एवं प्राकृतिक परिघटनाओं से बदलती रहती है। धान की कटाई से कई जीव या तो मर जाते हैं या खेत के आसपास के क्षेत्र में चले जाते हैं। जीवों के संरक्षण के लिए जरूरी है कि पारिस्थितिक तंत्र की कुछ परिस्थितियों को बनाए रखने का प्रयास किया जाए। आपने आजकल सुना होगा कि खेत में एक से अधिक फसलों को उगाने की सलाह दी जाती है। हमारे देश में कई जगह धान के साथ दलहन फसलों को उगाया जाता है। खेत में पेड़ों को उगाने एवं उसके आसपास सिंचाई के पानी के स्रोत में मछली पालन करने की सलाह भी दी जाती है। इससे जैव विविधता को बनाए रखा जा सकता है और खेतों को प्रभावित करने वाले जीवों की संख्या प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रहती है। इस प्रकार के प्रभाव को समझने के लिए संख्या के कुछ अन्य पारिस्थितिक पिरामिडों का अध्ययन करना होगा। पेड़ या जंगल के पारिस्थितिक पिरामिड में हम देख सकते हैं कि प्राथमिक पोषक स्तर पर कम जीव हों तब भी अगले स्तरों पर कई जीव हैं। इस आधार पर धान के खेत के पारिस्थितिक पिरामिड और पेड़ के पिरामिड में एक अंतर लिखें। किसी जलीय पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड चित्र 8 में दर्शाया गया है। जलीय जीवों की आबादी में इस प्रकार का संबंध धान के खेत में कब दिखता होगा? धान के खेत और जलीय पारिस्थितिक तंत्र की पिरामिडों में कोई एक अंतर और एक समानता लिखिए। यदि पिरामिड का आधार चौड़ा चित्र 8 है तो इसका अर्थ क्या है? उपरोक्त उदाहरणों में से किसी एक के अनुसार खाद्य जाल बनाइए। उपरोक्त उदाहरणों में कितने पोषक स्तर हैं? प्रथम पोषक स्तर के जीवों की कितनी संख्या पर
द्वितीय पोषक स्तर का एक जीव निर्भर है। हर पिरामिड के लिए अलग अलग निकालें। यदि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या कम हो तो भी क्या अगले स्तर को पर्याप्त भोजन मिलेगा?